नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले अचानक मुख्यमंत्री बनने पर चर्चा रहे, इसके बाद पीएम मोदी की भगवान राम से तुलना करने के बाद ये सुर्खियों में आए थे। इनकी चर्चा खूब हो रही थी। एक बार फिर अब तीरथ सिंह रावत अपने बयानों के कारण चर्चा में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अब बयान दिया है कि आजकल की महिलाएं 14 जीन्स पहनकर चल रही हैं। क्या ये सब सही है? ये कैसे संस्कार है? दरअसल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक कार्यशाला के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं ये अभिभावकों पर निर्भर करता है। इसी दौरान उन्होंने एक वाक्य सुनाया। मुख्यमंत्री ने कहा, जब वो जहाज से एक बार उड़ान भर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक महिला अपने दो बच्चों के साथ बिल्कुल पास में बैठी थी। वो फटी हुई जींस पहनकर बैठी थी। मैंने उनसे पूछा कि बहन जी कहाँ जाना है, तो महिला ने जवाब दिया कि दिल्ली जाना है। उनके पति जेएनयू में प्रोफेसर है, वो खुद एनजीओ चलाती थी। अब आप भी सुनिए तीरथ सिंह रावत ने क्या क्या कहा। मैं शिक्षा में था, अब चौथा, और मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन दो तीन जब लोग एक पार्टी के कार्यक्रम से जो सचिव था, तो हमने एक दो मेरे दिल्ली से थे, भरवा चौथ है जाना, सारा रखते हैं तो खुश रखना है, तेजी दिन जाना है। चलो भाई, हमने बेटी जहाज में जब बैठे तो मेरे बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी जीत हुई बगल में बैठी है, लेकिन मैं जब देखा गमबूट थे, जब और हुआ तो घुटे थे, हाथ दे तो कई, लेकिन जब ये देखे बच्चे उनके थे। इनका बहन जी कहाँ जाना है, हस्बैंड कहाँ है, प्रोफेसर है, तुम्हें क्यों मैं एनजीओ चला, ये आती है घटे दिखते हैं समाज की आती हो साथ में है क्या संस्कार दो। अब इस बयान के बाद सीएम रावत की हर तरफ चर्चा हो रही है। कोई इस बयान को सही बता रहा है तो कोई इसे गलत बता रहा है। अब आपको क्या लगता है, सीएम सिंह रावत ने जो कुछ भी कहा उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज।